हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज़ वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन पर हम बनाने वाले हैं ढेरों सारी रेसिपी जो कि आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और ख़ासकर आप अपने भाइयों के लिए तो ज़रूर से ज़रूर ये डिश बनाइए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई और बहन के स्नेह की डोर में बंधता है। इस दिन बहन भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके बहुत सारे पौराणिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार कहानी ये है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्तसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपने भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। अब चलते हैं अपने रेसिपी बनाने की तरफ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले खीर बनाते हैं। खीर के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, हमने दूध को पहले से ही बॉईल कर रखा है। खीर बनाने के लिए कोई भी चावल 2 मुट्ठी ले लेंगे। अच्छे से इसको हमने चुन कर रख लिया है। अब इसको हम पानी से वाश करेंगे 2-3 बार और अच्छे से सारा पानी निकाल देने के बाद इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक खीर बनाने के लिए चावल सेट हो रहे हैं तब तक हम लड्डू बना लेते हैं, नारियल के लड्डू। इसके लिए चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 से 3 स्पून देसी घी और डालेंगे देसी स्केटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा 250 ग्राम। इसको लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे भूनेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है और कलर भी चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब यह हल्का सा भुन गया है, इसमें डाल देंगे 1 कप दूध और दूध को अच्छे से नारियल के साथ मिक्स करेंगे और इसको भी हम लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा जूसी हो जाए। अब कुछ देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम शुगर पाउडर और डालेंगे साथ में छोटी इलायची और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हम इसको भी 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है वरना बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाएंगे और लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। अब इसके 2 भाग करेंगे, 1 भाग को हम निकाल लेंगे ऐसे ही बिना कलर के और 1 भाग में हम कलर डालेंगे, पिंक कलर थोड़ा सा। और गैस को एकदम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ बिना कलर के भी बना सकते हैं लड्डुओं को। देखिए फ्रेंड्स, कलर डाल देने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में। बस अब ये तैयार है, इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। अब प्लेट में निकालने के बाद इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और दूध को फिर से बॉयल होने के लिए रख देते हैं गैस पर। और तब तक फटाफट से लड्डू तैयार कर लेते हैं। देखिए, लड्डू बनाने के लिए हम वाइट भाग को लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा लेंगे, ऐसे गोल करेंगे, गोल का शेप देंगे और ऐसे ही सारे लड्डू को हम बना लेंगे। उसके बाद रेड भाग को भी थोड़ा सा बड़ा लेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा लेंगे और हाथों से ऐसे गोल करने के बाद थोड़ा सा हथेली पर रख के हम चपटा करेंगे और बीच में सफ़ेद वाले भाग को रखेंगे और चारों तरफ से हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से। बस फिर से गोल गोल हाथों से ऐसे शेप दे देंगे। बस ये तैयार है। बस ऐसे ही हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे और उसके बाद नारियल के बुरादे में एक एक लड्डू को ऐसे लेकर रोल कर लेंगे, देखने में अच्छे लगते हैं। और एक्स्ट्रा नारियल को हम ऐसे झाड़ लेंगे। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे पिस्ते को और बस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार है नारियल वाले। अब चलिए बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है। अब पनीर को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। हम बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे पनीर थोड़े से जल गए हैं, कोई बात नहीं। अब कढ़ाई में हम उसमें थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिए हैं। अब उसमें डालेंगे 2 प्याज कटे हुए, 2 इंच अदरक कटा हुआ और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ साथ में डालकर हम लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा भून लेंगे इसको। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर भूनने के लिए और टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक हम इसको भून लेंगे। बहुत अच्छे से अगर भुने हुए रहेंगे तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और 2-3 मिनट भूनने के बाद टमाटर को हम निकाल लेते हैं और इसको एकदम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे। हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम 3-4 चम्मच ऑयल डालेंगे,
ऑयल गर्म होने पर हम डालेंगे तेज़पत्ता, एक लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा और एक बड़ी इलायची। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे और जब ये भून जाए अब गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे। डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर, सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। आधा मिनट के बाद हम डालेंगे टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया है उसको डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम कवर कर देते हैं और मसाले को अच्छे से भूनने देते हैं। बीच बीच में हम चलाते हुए मसालों को भून लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे फ्रोजन मटर 100 ग्राम। आप यहाँ फ्रेश मटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पहले पानी में उबाल कर उसके बाद यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े से 1-2 मिनट के लिए भी भून लेंगे इसको भी। अब मटर भी अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे हम पानी। 1 गिलास पानी हमने डाल दिया, अब ये आधा गिलास पानी डालकर देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी और हम डाल देते हैं, जो आधा गिलास बचा था टोटली हमने 2 गिलास पानी डाला है। साथ में डालेंगे हम नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे हम पनीर को और अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं और इसका ढक्कन लगा देंगे हम। अब 5 से 7 मिनट इसको हमने पका लिया है, बस ये तैयार है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब चलिए खीर को बना लेते हैं। देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, गाढ़ा हो गया है दूध। अब जो चावल को हमने भिंगो कर रखा है उसको हाथों से अच्छे तरह से मैश कर लेंगे। अब उबलते हुए दूध में हम उसको धीरे धीरे डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर हम इसको धीरे धीरे पकने देंगे और उसके साथ ही डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स को, जिसमें से तेल मखाना, किशमिश, नारियल, काजू, बादाम और लड्डू बनाने के बाद जो नारियल का बुरादा बचा था उसको भी हम पूरा डाल देंगे और साथ में डालेंगे छोटी इलायची कुटी हुई और मिक्स कर इसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दम आलू बना लेते हैं। छोटे साइज़ के आलू 500 ग्राम लेंगे। इसको हमने अच्छे से धुल लिया है और इसका छिलका हम निकाल लेंगे और छिलका लेने के बाद हम आलू को नहीं धुलेंगे और एक चाकू से या फिर फॉक से हम इसे छेद कर देंगे चारों तरफ और इस तरह से सारे आलू को हम इस तरह से छेद कर लेंगे। तब तक हम खीर के हाल चाल ले लेते हैं। इनको भी थोड़ा सा बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो नीचे से ये लग जाएंगे और धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। खीर को हमने चेक कर लिया है, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी, लगभग 100 ग्राम है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट ऐसे ही हम खुले में पकाकर इसको हम बंद कर देंगे। खीर भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और चलिए अब दम आलू बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल रखा है, तेल बहुत अच्छे से गर्म है। इसमें हम डालेंगे धीरे धीरे आलूओं को सावधानी से डालेंगे और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और हाँ, आलू हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, मीडियम साइज़ के लेना है या तो फिर छोटे ही लेना है, नहीं तो जल्दी पकते नहीं हैं। और यहाँ पर आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल बचा हुआ है, इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं फिर यूज कर लेंगे ऑयल को। आलू को फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल लगता है इसलिए हमने थोड़ा अधिक ही डाला था। अब कढ़ाई में 2-3 चम्मच हम ऑयल छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 5-6 लाल मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 लहसुन की कलियाँ, 2 कटे हुए प्याज और 10 से 12 काजू। इनको एक साथ ही हम थोड़ा सा भून लेते हैं और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। इनको कम से कम हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और इनको भून जाने के बाद हम तुरंत डाल देंगे टमाटर और इनको भी हम 3-4 मिनट तक भून लेंगे, सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और सॉफ्ट होने के बाद हम इनको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इनका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कम से कम 3-4 चम्मच, और गैस का फ्लेम हम एकदम कम कर देंगे। इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 10-12 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। बड़ी इलायची छोटी इलायची को हम थोड़ा सा तोड़ कर डालेंगे। ऑयल में थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर आ जाए तेल में। और हम पिसे हुए जो पेस्ट है टमाटर प्याज के उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच खटाई यानी कि अमचूर पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो कवर लगाकर धीरे धीरे हम इसको मसालों को भून लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
अब हमारे मसाले अच्छे तरह से भुन चुके हैं, मसालों से तेल अलग हो रहे हैं। अब ग्रेवी के लिए डालेंगे इसमें हम पानी, और यहाँ पर हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको, और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे हम फ्राई किए हुए आलूओं को, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इनको हम धीरे धीरे पकने के लिए रख देंगे, कवर लगा देंगे ढक्कन। जब तक हमारे दम आलू तैयार हो रहे हैं, तब तक हम बासमती चावल लेते हैं 250 ग्राम, इनको अच्छे से हम चुन लिए हैं, और इसको हम धुल कर रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। इस तरह से पानी सारा निकाल कर ही रखना है, और कुछ देर बाद हम चेक कर लेते हैं। कम से कम 10-15 मिनट पकाने के बाद हम एक बार आलू को चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से पक चुके हैं, और इसके ऊपर से फिर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, और कटी हुई हरा धनिया डालेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। हमारे दम आलू बनकर तैयार है। अब एक कुकर लेंगे, उसमें 3 चम्मच देसी घी डालेंगे, और 2 तेज़पत्ते को डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे खड़ा, जिसमें जावित्री थोड़ी सी, 1 इंच दालचीनी, बड़ी इलायची 1-2 छोटी इलायची, और काजू डालेंगे 10 से 12, और इनको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हम भून लेंगे कलर चेंज होने तक। और थोड़े से मसाले और काजू में कलर चेंज हो गए हैं, थोड़े से भुन गए हैं। अब इनमें डालेंगे हम फ्रोजन मटर 100 ग्राम, और इनको 2-3 मिनट हम भून लेंगे। इनको भूनने के बाद हमने जो चावल को धुल कर रखा है उसको डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे हम, और चावल डालने के बाद भी थोड़ा सा 2-3 मिनट हम भूनेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 गिलास पानी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और 2 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे, और उसके बाद प्रेशर ख़त्म होने के बाद ही हम ढक्कन खोलेंगे। तब तक हम हरे धनिया की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हरा धनिया, लहसुन, नमक और मिर्च को मिक्सर जार में पीस कर हम चटनी तैयार कर लेंगे। अब हम रायते को भी बनाकर तैयार कर ही लेते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम दही लिया है, इसको अच्छे से हम पहले फेंट लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 या 1.5 चम्मच पिसा हुआ चीनी, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच, सादा नमक बस थोड़ा सा, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और चाट मसाला 1/2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसको मिक्स करने के बाद हम खीरे का छिलका भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर भाग को काटेंगे, और थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे, मतलब रगड़ लेंगे। हम खीरे को ग्रेट कर लेंगे, हमें बीज नहीं निकालना है। अगर बीज बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हों, बड़े, तभी हमें निकालना है, वरना हम सभी को ऐसे ग्रेट कर लेंगे। खीरे के सारे पानी को हमें निकाल लेना है। आप चाहें तो कपड़े से भी निकाल सकते हैं, चाहें तो थोड़े हैं तो हाथों से दबा कर आप पानी को निकाल लीजिए इस तरह से। अब खीरे के पानी को फेंकना नहीं है, इसमें नमक, काली मिर्च, जीरा डालकर हम पीने को दे देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस टेस्टी टेस्टी खीरे का रायता बनकर तैयार है। और कुकर का सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है, इसको हम खोल कर चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हमारे मटर पुलाव बनकर तैयार है, और बस सारी रेसिपी बनकर तैयार है। अब बस हमें पूरियाँ ही तलने को बाकी है। ये हमने 2 कप गेहूँ काटा लिया है, और ये सादी पूरियाँ हम बनाएंगे पहले। इसके लिए हम टाइट आटा गूँथेंगे। सादी पूड़ियों के लिए हमने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। खस्ता कचौड़ी के लिए हम आटा गूँथेंगे। 2 कप गेहूँ के आटे में हम 1/2 चम्मच कलौजी डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, और 4-5 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अच्छे से खूब पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका टाइट डो तैयार करेंगे। देखिए कचौड़ी के लिए भी हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब दोनों को एक में रख लेंगे, और छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे हम। दोनों को पहले लोइयां बनाकर पूरी तैयार कर लेंगे। अब एक एक लोई को लेंगे, और हम आटे की सहायता से या फिर ऑयल लगाकर हम पूड़ियों को बेल लेंगे। देखिए ऐसे ही सारे पूड़ियों को हम तैयार कर लेंगे, और खस्ता कचौड़ी वाले आटे को भी उसी तरह हम लोइयां बनाएंगे, और उसी तरह से एक एक पूड़ी को हम बेल कर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम पूड़ियाँ को तलेंगे।
ऑयल अच्छे से गर्म है और इसे घुमाते हुए थोड़े से दबाते हुए हम जब एक तरफ का गोल्डन कलर आ जाए फिर उसको हम पलट देंगे और दूसरे तरफ भी हम सेक कर पूड़ियों को हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से कचौड़ी वाली पूड़ी को भी हम तल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर ही इसको भी हम डालेंगे और इसको एक तरफ से फूल जाने के बाद हम पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको दोनों तरफ से सेक कर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, सारी रेसिपी बनकर तैयार है और लास्ट में हम कुछ पापड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद हम खाने को सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, खाने को यदि हम प्रेम से बनाएं और प्रेम से सर्व करें तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राइस को यानी कि मटर पुलाव को हम सर्व करते हैं और रखेंगे हम मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू दम को रखेंगे और साथ में रखेंगे रायते को और साथ में रखेंगे हम खीर को। फ्रेंड्स, खीर जब भी हमारे घर पर बनता है तो एक डायलॉग बहुत फेमस है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और फ्रेंड्स, रखेंगे हम नारियल के लड्डू को और साथ में रखेंगे सलाद को और सर्व करेंगे थोड़े से अचार, थोड़ी सी हरी चटनी और गर्म गर्म पूड़ी और कचौड़ी को भी। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आप अपने भाइयों के लिए, जितने भी बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ रेसिपी बनाएं उनकी पसंद से, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और सभी परिवार मिलजुल कर खूब इंजॉय करिए त्यौहार को। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।